गाइस, कैसे हो आप सब? सो माय फेवरेट सीजन इज़ हेयर, फेस्टिव सीजन, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और उनमें से एक मेरा फेवरेट फेस्टिवल है करवा चौथ, जिसके लिए मैं पूरा साल वेट करती हूँ। और हालांकि पूरा दिन फास्ट करना होता है, बट गेटिंग रेडी, न्यू आउटफिट्स, मेहंदी, बैंगल्स, ज्वेलरीज, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं आपका शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्विक मेकअप लुक, जो कि आप करवा चौथ पे ईजिली कर सकते हो, क्योंकि फास्टिंग के बाद हमारी जो तबीयत होती है वो ऐसी हो जाती है कि कुछ करने को मन नहीं करता। तो बहुत ही क्विकली आप करवा चौथ पे कैसे अच्छे लग सकते हैं, तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ। साथ में ये जो लुक है, आप कैजुअली किसी भी ओकेजन पे या दिवाली आ रही है तब कर सकते हो। सो सबसे अच्छी बात है कि जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, और मेरे फेवरेट ब्रांड से हैं, मेबलिन से। तो आपको ईजिली ये ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप। और मेकअप करने से पहले, सबसे पहले आपका जो फेस है वो अच्छी तरह क्लिंस होना चाहिए, अच्छी तरह कुछ भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ है या कुछ भी आपने पहले लगाया है वो अच्छी तरह रिमूव कर ले, ताकि मेकअप का जो बेस है वो अच्छा हो। किसी भी अच्छे मेकअप के लिए फेस को अच्छी तरह मॉइस्चर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। कोई भी आप फेस क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर मॉइस्चराइजिंग आर फेस, वी हैव टू अप्लाई अ गुड प्राइमर, और उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर। टेक टाइनी बिट, स्पेशली अराउंड पोर एरिया। आपको अपील होता होगा कि यहाँ पर ज़्यादा आपके पोर्स ओपन होते हैं, अराउंड यहाँ पर चिन एरिया पर, और जस्ट अराउंड लाइक फेस के इनर साइड पे आपको प्राइमर अप्लाई करना होता है, और बाकी थोड़ा थोड़ा आप साइड पे डैम कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में मैं डार्क सर्कल्स को कंसील कर रही हूँ यूजिंग दिस मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर। दिस इज़ अमेजिंग कंसीलर, जो कि आपके डार्क सर्कल्स को बहुत ही अच्छी तरह कंसील करता है, और बहुत ही अमेजिंग शेड्स में ये अवेलेबल है। ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर या फिंगर्स के साथ में ब्लेंड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट कम्स टू फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस 16 आर ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन, और जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 310 सन बेज। एंड गाइज, दिस इज माई फेवरेट फाउंडेशन। जो फॉर्मूला है बहुत ही ईजिली स्किन पे ब्लेंड होता है, बहुत ही नेचुरल फिनिश आपको मिलता है। ऑल्सो ऑयल कंट्रोल, अगर आप फील करते हो कि फाउंडेशन लगाने के बाद आपके फेस पे ऑयल हो रहा है, तो उन सब का सोल्यूशन ये फाउंडेशन है। और इनिशियली ये पंप के बिना आती थी फाउंडेशन, बट अभी ये पंप के साथ आती है। तो जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए आप उतना निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो मैं जस्ट 2-3 पंप लूँगी और इक्वली पूरे फेस पे इसको अप्लाई करूँगी, लगाऊँगी। ऑल्सो थोड़ा सा यहाँ पे, डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में ब्लेंड करना है। लव द टेक्सचर, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, जो कि ईजिली ब्लेंड होता है, और इसका फिनिश बहुत अच्छा मिलता है इसके साथ में। फाउंडेशन इज डन, और फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर, और जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ मीडियम। डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए मैंने शेड यूज़ करा था 144 कैरेमल। थोड़ा थोड़ा मैं अराउंड अंडर आई एरिया यहाँ से लिफ्ट करने के लिए, तो इस वे से आपको जो फेस को काफ़ी अच्छा लिफ्ट मिलता है। तो ब्रश के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप इसको इजीली ब्लेंड कर सकते हो। ना डार्क सर्कल्स के लिए कंसीलर यूज़ किया है, देन फाउंडेशन अप्लाई करी है, और उसके बाद मैंने हाईलाइट करा है। इन सबको सील करने के लिए हमें अप्लाई करना है एक कॉम्पैक्ट पाउडर। पैक्ट पाउडर में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी पाउडर, और जो शेड है वो अगेन सन बेज है, सेम लाइक फाउंडेशन। पाउडर जो है वो जस्ट अराउंड जहाँ पे आपको लगता है कि आपके फेस पे ऑयल होता है वहीं पे अप्लाई करना है। तो जैसे कि अराउंड नोज एरिया, अंडर आई एरिया,
दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइट वेट कॉम्पैक्ट जो कि आप इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हो और एवरी डे यूज़ के लिए परफेक्ट है. नेक्स्ट कम्स टू आईब्रोज. तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आईब्रोज को निग्लेक्ट करते हैं. तो एक आईब्रोज जो अच्छे अगर हों तो आपके फेस को अच्छा फ्रेम देते हैं, अच्छी लुक देते हैं. तो जस्ट मैं स्पूली ब्रश के साथ आईब्रोज को करूँगी फिक्स. देन आई एम टेकिंग दिस मेबलिन आईब्रो पेंसिल और जस्ट आपको जहाँ पे लगता है कि आपके आईब्रोज में गैप है या आप साइड पे कर सकते हो, जस्ट मैं लॉन्ग स्ट्रोक्स में अपवर्ड्स उसको फिल कर रही हूँ. और यहाँ पे मेरे थोड़ा सा कट है तो उसको मैं फिल कर रही हूँ थोड़ा सा. एंड वंस अगेन जस्ट पुली ब्रश के साथ फिक्स कर लें. कोई जेल वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट फिक्सिंग इट विथ पुली ब्रश. नेक्स्ट कम्स टू आई मेकअप. तो पर्सनली मुझे आई मेकअप के लिए एक न्यूट्रल सेटल सा आई लुक पसंद है और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन द सिटी मिनी पैलेट. नाउ लुक एट दिस, इट्स वेरी टाइनी पैलेट जो कि आप इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हो और जो शेड्स हैं बहुत ही अच्छे शेड्स हैं, बहुत ही पिगमेंटेड शेड हैं. और इसमें आपको दो मैट शेड हैं और बाकी चार जो शेड हैं थोड़े ग्लिटर हैं उनमें. और गोल्डन है, कॉपर कलर है, रोज़ गोल्ड कलर है, शैम्पेन कलर है. तो ये सब के सब एक पार्टी लुक के लिए, एक फेस्टिव लुक के लिए परफेक्ट है. अगर आपको कहीं वेडिंग अटेंड करनी है, कोई फंक्शन अटेंड करना है और आप ज़्यादा सामान नहीं कैरी करना चाहते, देन डेफिनेटली आप ये पैलेट कैरी कर सकते हो. तो इस लुक के लिए मैं बहुत ही सिंपल सी लुक करने वाली हूँ. तो पहले ये न्यूट्रल शेड मैं पूरी आईलिड पर अप्लाई करूँगी. सो बहुत ही सॉफ्टली पूरी आईज पर आप ये ब्लेंड करें. शेड जब आप अप्लाई करते हो न्यूट्रल शेड तो एक अच्छा बेस मिल जाता है आई मेकअप लुक को. स्टे में मैट शेड अप्लाई करूंगी आउटर कॉर्नर पे. तो ये थोड़ा सा डार्क शेड है तो आउटर कॉर्नर के लिए परफेक्ट है. तो जितना आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा, अच्छी तरह से ब्लेंड होगा. और थोड़ा सा मैंने और लिया है अराउंड जहाँ पे लैश है वहाँ पे थोड़ा सा और ब्लेंड कर रही हूँ. और जो बाकी शेड्स हैं वो सारे थोड़े ग्लिटर शेड हैं और करवा चौथ है, थोड़ा सा ग्लिटर तो बनता ही है. तो मैं थोड़ा सा रोज़ गोल्ड जिसमें थोड़ा सा ग्लिटर है वो शेड अप्लाई करूँगी और आइज़ के मिडल एरिया पे अप्लाई करूँगी. जस्ट मैं फिंगर से हल्का हल्का डैब कर दूँगी. फिंगर के साथ जब आप अप्लाई करते हो बहुत ही अच्छी तरह वो फेस पे अप्लाई होता है. इट्स वेरी पिगमेंटेड, बहुत ही अच्छा कलर है, ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो रहा है. इट्स अ परफेक्ट लुक फॉर योर करवा चौथ. आईलाइनर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मेबलिन लाइन टैटू हाई इम्पैक्ट लाइनर विच इज़ वेरी डार्क और बहुत ही स्मूथली आपके आईज पे ये ग्लाइड करता है. नेक्स्ट कम्स टू मस्कारा. तो मस्कारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ और अगर मुझे नो मेकअप मेकअप लुक भी करना है देन मैं हमेशा मस्कारा ज़रूर प्रेफर करती हूँ. और जो मैं मस्कारा लगा रही हूँ वो है ये मेबलिन लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा. एंड आई वुड लाइक टू मैंशन वन थिंग कि मेबलिन के जो सारे के सारे मस्काराज हैं, अलग अलग मस्कारा आते हैं, वो सब के सब बहुत ही अच्छे हैं. लैश को लिफ्ट करने के लिए, वॉल्यूम के लिए, लेंथनिंग के लिए सब परफेक्ट है. इस जो मस्कारा का कलर है बहुत ही अच्छा कलर है और आपको एक अच्छा थिक लैशेस मिलती हैं. जस्ट 5-6 स्ट्रोक्स में अच्छी आपको एक लुक मिल जाती है. आई लव यूजिंग मस्कारा. एक प्रोडक्ट जो मैं किसी बिगनर को रेकमेंड करूँगी वो मस्कारा ही है कि मस्कारा ज़रूर अप्लाई करें. नेक्स्ट टाइम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्लश और जो ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेबलिन फिट मी ब्लश और जिसका शेड है वो है 40 और शेड का नेम है प्राउड. तो
जस्ट स्माइल करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ब्लश को अप्लाई करना है. बहुत ही सॉफ्टली फ्री हैंड स्टाइल. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस हाईलाइटर एंड दैट इज दिस मास्टर क्रोम हाईलाइटर बाय मेबेलिन. एंड इसको आप एज एन आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो, ब्रॉन्जर की तरह, हाईलाइटर की तरह अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हो. इट्स वेरी पिगमेंटेड और थोड़ा सा जस्ट मैं नोज पे, इसके साथ जो नोज़ है काफ़ी शार्प दिखता है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा चीक्स के ऊपर यहाँ पे इस लुक को कंप्लीट करेंगे विद अ ब्यूटीफुल लिप शेड बाय मेबेलिन सुपरस्टे वाइनल इंक. न्यूली लॉन्च लिप शेड्स हैं जिसमें अमेजिंग अलग अलग ब्यूटीफुल शेड्स अवेलेबल हैं. द गुड थिंग इज इट कम्स इन दिस ब्यूटीफुल पैकेजिंग. बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, 16 आवर तक ये लास्ट करती है. एंड आई नो मेरी फैमिली मेम्बर सब ये पूछते हैं कि कुछ स्टे वाला लिप शेड चाहिए, तो मैं उनको हमेशा मेबेलिन लिप शेड रेकमेंड करती हूँ. तो जैसे कि ये न्यूली लॉन्च्ड हैं, बहुत ही अच्छे शेड्स हैं, तो मैं उनको ये अभी रेकमेंड मैंने कर दिया है. तो जस्ट शेक इट और अप्लाई करें. और ये ब्रश के साथ आता है एंड आई लव लव द शेड. जो शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है नंबर 50 विकेट. जस्ट लुक एट दिस इन वन गो. आपको बहुत ही अच्छा लुक मिल रहा है इस शेड के साथ में. ये शेड बहुत ही अच्छा है फेस्टिव वेयर के लिए, करवा चौथ के लिए बहुत ही अच्छा है, दिवाली के लिए बहुत अच्छा है, किसी वेडिंग लुक के लिए बहुत ही अच्छा है. और इसका एक और शेड है वो मुझे बहुत ही पसंद है, दैट इज़ नंबर 10 लिपी, जो कि थोड़ा सा न्यूट्रल शेड है. अगर आपको डार्क शेड नहीं पसंद है देन यू कैन गो फॉर दैट न्यूड, थोड़ा सा न्यूट्रल शेड के साथ जा सकते हो. तो आई विल बी बैक विद माय फुल लुक. सो आई एम बैक विद माई फाइनल लुक और आई एम लविंग माई लुक, क्योंकि बहुत ही ईजी, बहुत ही क्विकली थोड़े से प्रोडक्ट्स के साथ में ये लुक मैंने अचीव करी है. एंड द गुड थिंग इज इट्स बाय मेबेलिन और जो कि ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है. और इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. डू लेट मी नो कि आपको ये लुक कैसी लगी. और ये लुक आप किसी भी ओकेजन पर ईजिली थोड़े से मिनट में अचीव कर सकते हो. सो विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून. टिल स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल एंड हैप्पी फेस्टिविटीज़.